नमस्कार दोस्तों, वेरी वेलकम। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पेपर वन की यूनिट थर्ड। जैसे को हाल ही में आरएस मेंस की एग्जाम हुई थी 21 और 22 मार्च की, उसका डिस्कशन चल रहा है। पेपर टू अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। देखिए दोस्तों, इस यूनिट के अंदर पेपर वन के अंदर दोस्तों यूनिट थर्ड के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग सोशियोलॉजी तीन पार्टों के अंदर डिवाइड होकर आती है और ये इसका सिलेबस है। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है अपना, शारदा एक्ट क्या है? तो ये सोशियोलॉजी यहाँ पे मार्क की जा रही है, जैसे जो सेक्शन चल रहा होगा वो यहाँ पे मार्क की जा रही है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है शारदा एक्ट जो की सोशियोलॉजी है, दो वर्ड के दो मार्क का क्वेश्चन है और 15 वर्ड के अंदर इसको आंसर देने होते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है शारदा एक्ट जो कि क्या है उसके बारे में बताइए। तो सन 1928 के अंदर बाल विवाह पर पूर्णतः रोक लगाने हेतु यह कानून पारित किया गया जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे संशोधित अधिनियम शारदा बाल विवाह निरोधक अधिनियम, इसे शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर दोस्तों क्या किया गया, लड़कों और लड़कियों की उम्र है 21 और 18 वर्ष निर्धारित की गई, तो ये इससे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन था अपना सोशियोलॉजी से, जाति व्यवस्था में ऐसा मानता है कि उदाहरण बताइए क्यों है उदाहरण है? तो सामाजिक समागम के संबंधित समानताएं, समाज में सामाजिक समानता से संबंधित कठोर निषेध को देखा जाता है और अस्पृश्यता व छुआछूत ये दक्षिण भारत में अधिक देखी जाती है। नागरिक और धार्मिक असमानता है जो कि हिंदुओं में जाति की नागरिकता, धर्म संबंधी असमानता पूरे भारत में कहीं भी कहीं अधिक कम हो रही है। जाति व्यवस्था में व्यवसाय असमानता है, जैसे चर्मकार, धोबी, स्वर्णहारा, ब्राह्मण आदि का अलग अलग व्यवसाय होना और जाति व्यवहार के अंदर उच्च जातियों के लिए खान पान सामाजिक सहवास को रोकती है निम्न जाति को, और जैसे धार्मिक जीवन और पारंपरिक जीवन भी अलग अलग होता है निम्न और उच्च जाति का। अंतर्विवाह जातियों में निषेध होता है, जैसे उच्च और निम्न जातियों में अंतर्विवाह निषेध होता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर है, खोज करके आप देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। वेस्ट वीक क्या क्या कहते हैं? तो जो कि वेस्ट वीक गांव की संकल्पना का विकास एवं परिवहन संचार के विकास पर आधारित है, यानी जो कि विभिन्न माध्यमों के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तंत्रिका द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हों। तो ये जैसे जो कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो, समाचार पत्र हो, शिक्षा हो, ये प्रमुख रूप से जोड़ने के साधन वैश्विक गांवों को निर्धारित करते हैं। इस वैश्विक गांव के अंदर जो कि शिक्षा और अस्पताल प्रमुख रूप से होते हैं और वैश्विक गांव के अंदर अवधारणा विश्व के अंतर अधिक और अंतर संबंध होने की स्थिति में निरूपित करता है। ये मीडिया तकनीकी का विस्तृत होने के कारण परिणाम के रूप में देखा जाता है। तो ये वैश्विक गांव के रूप की संकल्पना है दोस्तों। अगला चौथा क्वेश्चन था 15 वर्ड्स के अंदर जो कि राजनीतिक भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए। तो राजनीतिक भ्रष्टाचार को किस प्रकार से, जैसे राजनेताओं, अधिकारियों एवं नेटवर्क संपर्कों के अवैध व निजी लाभ के लिए शक्तियों का उपयोग करते हैं और भ्रष्टाचार के रूप में अलग अलग होते हैं, जैसे रिश्वतखोरी, पैरवी, जबरन वसूली, भाई भतीजावाद, संकीर्णता, संरक्षणता, प्रभाव पेडलिंग और भ्रष्टाचार गबन शामिल हो सकते हैं। अवैध व निजी लोन के लिए सरकारी अधिकारियों द्वारा अपनी समय की विधायी शक्तियों का उपयोग करना व चुनावी प्रक्रिया में विकृति उत्पन्न करना प्रमुख राजनेताओं का राजनीति में भ्रष्टाचार को बताया गया है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों राजस्थान से संबंधित, राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता क्या है? तो इसके अंदर योजना में आवेदन करने वाले नागरिकों को इसकी निर्धारित पात्रता को पूरा करना आवश्यक है, जिसके आवेदन जैसे राजस्थान में वृद्धा पेंशन योजना का लाभ करने वालों को स्थायी निवासी होना वाला इसका पात्र रहेगा और कमजोर और आर्थिक रूप से जो कमजोर है, जरूरतमंदों व
और वृद्धजनों को ये आवेदन कर सकेंगे। आयु इसके अंदर 58 वर्ष पुरुष के लिए और 55 वर्ष महिलाओं के लिए निर्धारित की है, और जो आय है वो 48,000 रुपए से कम होनी चाहिए। यदि व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है तो पहले से किसी अन्य पेंशन का लाभ पा रहा है तो वह आवेदन का पात्र नहीं होगी। वृद्धा पेंशन योजना के माध्यम से आवेदकों को वृद्धा दिनों व वृद्धावस्था में जीवन यापन प्रतिमाह 750 रुपए और 1,000 रुपए की पेंशन प्रदान की जाती है। ये क्राइटेरिया बताना था दोस्तों कि क्या क्या पात्रता है इसके अंदर। अगला जो इसका बी पार्ट था उसके अंदर दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50-50 वर्ड के, 5 अंक एक क्वेश्चन के निर्धारित है। पहला ही क्वेश्चन पूछा था, एम एन श्रीनिवास द्वारा बर्बु जाति को स्पष्ट करने हेतु कौन से लक्षण बताए हैं। तो सोशियोलॉजी के अंदर दोस्तों एम एन श्रीनिवास को महत्वपूर्ण भूमिका, उन्होंने जाति को इस प्रकार से बांटा है कि प्रभु जाति क्या है, कोई भी नीची जाति के रूप में नहीं बताया, किसी भी नीची जाति को प्रभु जाति के रूप में उन्होंने नहीं बताया क्योंकि वह उससे मेल नहीं खाती है। प्रभु जाति की जातियों के अंदर पदानुवाद सर्वोच्च स्थान प्रमुख विशेषता है। संख्यात्मक तत्व क्षेत्र में अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक संख्या में होना, जो प्रभु जाति होती है वो अन्य जातियों की तुलना में अधिक संख्या में होती है। क्षेत्र विशेष में प्रभु जाति प्रभावशाली सामाजिक व आर्थिक व राजनीतिक भूमिका में होती है। प्रभु जाति की सामाजिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ होती है और स्थानीय जाति स्तरण के आधार पर प्रभु जाति का तुलनात्मक रूप से उच्च स्थान पर होना। और अगला क्या है, विशेष जो कृषि भूमि के एक बड़े भाग पर अधिकार होता है इन प्रभु जाति का, और अन्य जातियों की तुलना में शिक्षा का जो स्तर होता है वो उच्च होता है। तो ये प्रभु जाति बताइए एम एस श्रीनिवास के द्वारा। अगला फिर से राजस्थान की जो जनजातियां है समुदाय की प्रमुख समस्याओं के बारे में बताइए। तो प्रमुख समस्या क्या है, जैसे दोस्तों अशिक्षा है, बेरोजगारी है, नशे की लत है, प्राकृतिक आपदाएं वहां आती रहती है और निर्धनता प्रमुख रूप से व्याप्त है। तो अशिक्षा दोस्तों, जनजातियों में लोगों में शिक्षा का काफी पिछड़े हुए हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय खेतों में काम करना उनको पसंद करता है, और बेरोजगारी उनके अंदर समस्या प्रमुख रूप से है। नशे की लत, शराब, बीड़ी, तंबाकू आदि प्रचलन बहुत होता है, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है और निर्धनता की स्थिति को उनके अस्तित्व के लिए संकट पैदा करती है। ये प्रमुख 5 समस्याएं पूछी थी। अगला है यूनिट 3 की जो सेक्शन बी होगा उसमें मैनेजमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पार्ट है इसके अंदर 15 वर्ड्स के अंदर प्रत्येक अंक 2 निर्धारित किए गए हैं और के अंदर टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं 5-15 वर्ड्स के अंदर। तो देखिए, आपूर्ति श्रृंखला जिसे CSCM को परिभाषित कीजिए। तो अंतर संबंध व्यापार नेटवर्क का प्रबंधन है जो कि ग्राहकों द्वारा अपेक्षित चरम उत्पादक व्यवस्था और सेवाओं और संकुलों में सम्मिलित होता है प्रमुख रूप से, और आपूर्ति प्रबंधन श्रृंखला का विस्तार तमाम गतिविधियों, कच्चे माल के भंडारण और प्रक्रियारत कार्य सूची, तैयार मालों की उत्पत्ति, कार्यस्थल पर खपत और जो कि सप्लाई चेन तक होती है, इसका प्रमुख आपूर्ति श्रृंखला के रूप से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है। तो ये योजना शुरू हुई थी 2016 को और इसका जो प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि स्टार्टअप को नए विचारों के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना जिससे देश की आर्थिक विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। तो ये स्टार्टअप योजना का जो उद्देश्य था उसके बारे में बताना था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मैनेजमेंट में करिश्माई नेता के कोई 4 विशेषता लिखी है। जो करिश्माई नेता होता है वो परिवर्तनशील, परिवर्तन को लागू करने की क्षमता व अनुकूलशीलता होती है उसमें, और क्या होता है जैसे प्रमुख विशेषता रचनात्मकता और सृजनात्मकता होती है, निस्वार्थ भाव से बड़ों और छोटे का आदर की
प्रमुख रूप से और स्पष्ट संचार और आदेश में एक रूपता होती है, तो ये करिश्माई नेता की प्रमुख विशेषताएं बताई गई है। अगला है कि सेवाओं की कोई चार विशेषताओं को चिन्हित कीजिए। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के अंदर जो सेवा होती है कि चार प्रमुख जो विशेषता है उनके बारे में बताना है। देखिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सेवा से संबंधित कार्यों में लगा हुआ आता है सेवा क्षेत्र कहलाता है। यानी जैसे कि अपन होटल के अंदर और रेस्टोरेंट उनके अंदर जाते हैं तो वह अपनी सेवाएं देते हैं, और ये प्रमुख विशेषता उनकी क्या होती है, जैसे कि शामिल मुख्य सेवाएं परिवहन, कोरियर, सूचना क्षेत्र में सेवाएं और बोरियत स्टेट होटल रेस्टोरेंट डब्बा इष्ट प्रबंधन वैज्ञानिक तकनीकी सेवाएं सीटीसी सेवाएं जो कि अमूर्त हैं। सेवाओं को सेवा आपूर्ति से अलग नहीं किया जा सकता, सेवाओं की विषमता पाई जाती है। पेशेवर जो सेवा कौन सी होती है, चिकित्सक डॉक्टर के पास जाते हैं अपन, कानूनी सेवाएं वकील के पास, लेखा ट्यूशन, ये प्रमुख जो सेवाएं हैं ये अपने सेवाएं देते हैं। और इनकी विशेषता क्या होती है कि यह अपन को कुछ आमदनी देनी पड़ती है या फिर फ्री के अंदर भी क्या सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे सरकारी डॉक्टर और अन्य जो भी होटल प्रबंधन प्रमुख रूप से सेवाएं प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के दो जो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में नाम बताइए उनके। तो पहला नाम है BSE जो कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, 1875 में स्थापित हुआ, एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, पूरे एशिया के अंदर दोस्तों ये पहला स्टॉक एक्सचेंज। टर्नओवर की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा ये स्टॉक एक्सचेंज है। 56 प्रमुख सूचकांक इसके एक्सचेंज है और पेरावनी समिति के सिफारिश पर 1992 में ये स्थापित किया गया। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय भी मुंबई में है, तो निफ्टी होती है 50 के रूप में। कारोबार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा यह है, भारत का पहला औद्योगिकरण इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज बोर्ड है। तो ये दो स्टॉकों के नाम बताने थे अपने को, क्योंकि दोनों ही स्थापित है मुंबई के अंदर। अगला मैनेजमेंट का बी पार्ट जिसके अंदर 50 वर्ड के अंदर दो क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है, AH मॉसलो के आवश्यकता अनुसार क्रमबद्धता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो मॉसलो ने पिरामिड के आधार पर, जिनका पूरा नाम क्या है, अब्राहम मॉसलो द्वारा प्रतिपादित एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो कि उन्होंने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक ग्रंथ में 1954 में लिखा। मॉसलो वह प्रथम मनोवैज्ञानिक है जिनके आत्मसिद्धि का प्रयत्न का अध्ययन किया। सिद्धांत न केवल मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में है बल्कि विज्ञापन के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध हुआ। मनुष्य की आवश्यकता असीमित है। अपने इस सिद्धांत में मॉसलो ने मानव की आवश्यकताओं में कई स्तर बताए हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, व्यापार एवं संबंधों की आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता और आत्मबोध की, जो कि पिरामिड के आधार पर दर्शाए गए हैं। पिरामिड में प्रमुख रूप से दिखाया गया है कि जैसे मॉरलिटी, सेल्फ इस्टम और फ्रेंडशिप, फैमिली, सेक्सुअल सिक्योरिटी, बॉडी, एम्प्लॉयमेंट, वाटर, फूड, ये प्रमुख जो पिरामिड के आधार पर आवश्यकताओं को दर्शाया गया है। इसमें जैसे शारीरिक सुरक्षा, प्यार संबंधों की आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता और आत्मबोध, ये प्रमुख पिरामिड के माध्यम से तो मॉसलो ने दर्शाया गया है। अगला है, किन्हीं दो की विशेषता बताइए, विशेषता के साथ जीवन चक्र से PLC का वर्णन कीजिए। तो ये प्रमुख रूप से 6 प्रकार की होती है, इसमें से ओनली अपन को 2 का वर्णन करना था। तो ये 6 कौन कौन सी होती है,
उत्पादक विकास की अवस्था, प्रस्तुतिकरण की अवस्था, विकास की अवस्था, बाजार व परिपक्वता की अवस्था, बाजार स्थिति की अवस्था और बाजार पतन अवस्था। वैसे अपन को दो को नाम बताने थे इसके डिटेल से। उत्पादक विकास अवस्था, इस उत्पाद का जो जन्मावस्था कहते हैं और उत्पाद के जीवन चक्र का एक प्रारंभ उत्पाद विकास की प्रक्रियाओं के साथ ही प्रारंभ होता है। इसमें सर्वप्रथम विपणन की जांच की जाती है, इसके बाद व्यवस्थीकरण किया जाता है। दूसरा है प्रस्तुतिकरण व्यवस्था, प्रथम व्यवस्था की समाप्ति के बाद यह व्यवस्था शुरू होती है। इस अवस्था में उत्पाद को बाजार में प्रस्तुत किया जाता है और उत्पाद की बाल्य अवस्था में निर्धारित की जाती है। तो अगला अपना चैप्टर रहेगा वो यूनिट थर्ड का सेक्शन सी, जिसके अंदर पूछा जाता है क्या अकाउंटिंग और एडिटिंग। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है मिश्रित जनरल प्रविष्टियों के बारे में बताइए, इसे कहते हैं। तो मिश्रित जनरल प्रविष्टियां उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक लेन देन एक से एक ही तिथि को हो तथा उनका संबंध एक ही खाते से हो। ऐसे व्यवहारों को अलग अलग लेखा न करके एक ही प्रविष्टि पर दी जाती है, इन्हें ही क्या कहा जाता है मिश्रित या कमाउंड एंट्री कहते हैं। अगली है प्रवृत्ति विश्लेषण की किन्हीं दो विधियों के बारे में बताइए। तो देखिए दोस्तों, प्रवृत्ति से तात्पर्य है कि व्यवसायिक गतिविधियों के रुख से होता है, जिसकी गणना उपलब्ध वित्तीय समकों में से किसी अवधि समकों के आधार पर मानकर की जाती है। सामान्यतः सबसे पहले वर्ष को ही आधार वर्ष माना जाता है। मदों को तुलनीय बनाने के लिए आधार वर्ष 100 मानकर यह वर्षों के उन्हीं मदों को प्रस्तुतिकरण अथवा अनुपात में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार प्रवृत्ति ज्ञात करने की प्रमुख दो विधियां हैं। तो ये दो इन विधियों के नाम लिखने थे, प्रवृत्ति प्रतिशत और प्रवृत्ति अनुपात, जिनका 100 मानकर क्या किया जाता है मदों को निकाला जाता है। अगले क्वेश्चन थर्ड नंबर, उत्तरदायी लेखांकन के संदर्भ में चार केंद्रों के बारे में बताइए 15 वर्ड्स के अंदर। दोस्तों देखिए, उत्तरदायी केंद्र के चार तरह के होते हैं, व्यय केंद्र, लाभ केंद्र, निवेश केंद्र और विनियोग केंद्र। वैसे तो कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, प्रमुख रूप से अपन को चार का नाम बताना था। इस विधि के अंतर्गत नियंत्रण अनियंत्रण लागतों में स्पष्ट भेद किया जाता है एवं हर उत्तरदायी केंद्र पर केवल क्या किया जाता है कि वही लागतें एकत्रित की जाती हैं जो कि जिन पर केंद्र का अधिकार नियंत्रण हो। ये प्रमुख चार क्या लेखांकन के उत्तरदायी केंद्रों के नाम बताने थे। अगला है सरकारी अंकेक्षण के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति का पद का नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो भारत सरकार एवं सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखा का अंकेक्षण करता है, वह सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का अंकेक्षण भी करता है। आर्टिकल 148 के अंदर भारत का नियंत्रण एवं महालेखा प्रशिक्षण होगा, जो कि क्या करेगा, रिपोर्ट को सार्वजनिक लेखा समितियां ध्यान देती है और भारत ध्यान देता है और भारत के नियंत्रण महालेखा प्रशिक्षण एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करती है और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता। भारत के नियंत्रण और महालेखा प्रशिक्षण की राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो केग क्या है, जो कि सर्वोच्च अधिकारी होता है सरकारी अंकेक्षण का। वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। अगला पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शून्य आधार बजटन क्यों अपनाया गया था। इसका क्यों अपनाया गया, इस प्रकार से अपन को बताना था कि 1987-88 के अंदर सरकार द्वारा इसे अनेक विभागों तकनीकी को अपनाया गया। शून्य बजट जो कि नियंत्रण करने के
लगाया गया कि ताकि सरकारी धन का अपव्यय न हो सके और उसका प्रयोग सार्वजनिक हित में हो सके, यानी पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर ज्यादा ज्यादा प्रयोग इसका किया जाके, इसलिए ये शून्य आधारित बजट अपनाया। और शून्य आधारित बजट में गत वर्षों को आंकड़ों को महत्व नहीं दिया जाता, यानी जो भी उसमें जो खर्च हुआ या व्यय हुआ सभी को शून्य मानकर किया जाता है, और जिस विभाग को राशि दी जाती है वो शून्य आधारित बजट पर दी जाती है। इस प्रणाली के कार्य पर इस आधार पर शुरू किया जाता है और अगली अवधि तक बजट शून्य है जब तक प्रत्येक रुपए की मांग किसी भी कार्य अथवा परियोजना या क्रिया का औचित्य नहीं दिया जाता, यानी उसका पूरा ब्यौरा दिया जाता है दोस्तों इसके अंदर शून्य आधारित बजट के अंदर, और शून्य से शुरू किया जाता है। इससे अगला इसका पार्ट बी है जो कि कितने वर्डों के अंदर, 50-50 वर्डों के अंदर देना है आंसर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और दोस्तों को शेयर जरूर करिए, काफी मेहनत लगी दोस्तों इसके अंदर पूरा डाटा इंक्लूड करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करके बताइए, अगर कोई फॉल्ट है तो जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर का, उचित उदाहरण देते हुए लेखांकन की दोहरी प्रवेश प्रणाली के संदर्भ में दीपक अवधारणा को समझाइए। दोहरा लेखा प्रणाली का लेखांकन, यह प्रणाली के अनुसार प्रत्येक सौदे के दोनों रूपों में से एक को कुछ निश्चित नियमों के आधार पर लेखा पुस्तकों में डेबिट और दूसरे में क्रेडिट किया जाता है। इकहरा लेखा प्रणाली का एक खाता प्रभावी होता है, यह परंपरागत लेखा पद्धति की कम खर्चली होती है। और इसमें दोहरा लेखा प्रणाली के अंदर क्या होते हैं कि पुस्तकों व्यवस्थित नहीं की जाती, दोहरा प्रणाली के अंदर दो खाते प्रभावी होते हैं, यानी टू अकाउंट्स इसके अंदर होते हैं, और यह क्या है, संकीर्ण प्रणाली है और वैज्ञानिक विधि है। लेखांकन प्रणाली में दी के अवधारणा पर आधारित है, इसके अनुसार प्रत्येक व्यवसायिक व्यवहार के दो प्रभाव होते हैं, दो भिन्न भिन्न खातों में विभिन्न पक्षों को प्रभावी करते हैं। अगला सातों नंबर का क्वेश्चन था, निष्पादन बजट सरकार का सार्वजनिक उपक्रम के लिए उपयोगी है, ऐसा क्यों है, क्योंकि इस बजट के अंदर क्या किया जाता है, धन खर्च करने का उद्देश्य स्पष्ट होता है, और यह प्रणाली बजट निर्माण में भी आसानी होती है। यह बजटिंग विधायिका की वित्तीय साक्षरता में वृद्धि करती है, क्योंकि विधायिका के सदस्यों के लिए इसे समझना आसान बनाना होता है। यह लेखा परीक्षा की अधिक सक्षम एवं आसान बनाता है। यह प्रणाली उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एवं सिद्धांत पर आधारित होती है, तो इसलिए यह बजट निष्पादन प्रणाली अपनाई जाती है। इसे क्या किया जाता है कि बजट प्रणाली को आसान बनाने के लिए और कम खर्चीला बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। दोस्तों ये था अपना यूनिट थर्ड पेपर वन की, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों।